बस फॉर्मूले अच्छा का जी स्किल मुझे इसी में अच्छी लगती है। ठीक है। ओ, कुछ डाटा बना लेते हैं सर, ज्यादा नहीं बनाते, थोड़ा सा ही बना लेते हैं। चलिए सिटी भी डाल लेते हैं, सिटी एंड से आपके ऑलरेडी ये नाम है ना लिस्ट में, इसलिए ले रहा है ऐसा ना। हाँ जी सर। अच्छा हाँ नहीं तो कितने ज्यादा, आपने डाल के रखे उसमें, कितने नाम और कितने सिटी डाल के रखे हैं? मैंने 40-50 डाल रखे हैं, चलो अच्छा ऐसे जब भी थोड़ा सा खाली हुआ कर दिया, नाम ऐड हाँ कर देता। ठीक, गुड यार गुड। तो सर कल हमने वी लुकअप लगाया था, मान लीजिए हमारे पास हम लुकअप नहीं लगाते, कुछ और लगाते हैं इस बार। सेम क्वेरीज जो होती है हमने वी लुकअप और एच लुकअप से सॉल्व की थी, उसके लिए हर बार उसी को लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक लुकअप का फॉर्मूला भी है। इसमें मैं एक चीज और कर देता हूँ, राइट टू लेफ्ट की भी बात है ना, इसको यहाँ पे भी डाल देता हूँ, बाई चांस यहाँ से सर्च करनी पड़ेगी। देखिए लुकअप का फॉर्मूला क्या करता है, इसमें एक लुकअप वैल्यू है पहला पैरामीटर, देन लुकअप वेक्टर। लुकअप वैल्यू को किसमें ढूंढना है, लुकअप वेक्टर मैंने दे दिया, देन ये लेकिन ये लुकअप मैं वेक्टर उसमें नहीं था ना, एच एच और वी में नहीं था ना, नहीं सर, उसमें तो टेबल आ रहे थे खाली। उसमें टेबल आ रहे था। हाँ हाँ इसमें क्या है कि लुकअप वैल्यू क्या है और वो किसमें ढूंढनी है, तो किसमें ढूंढनी है हमें सीधे सीधे देनी पड़ती है वो रेंज, देन आपको देना पड़ता है कि आपको रिजल्ट किसमें से चाहिए। अब मुझे नेम में से चाहिए तो पैरेलली ये भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है जी, नेम वाली, तो यहाँ नेम आ जाएगा, बट क्यों नहीं आया, रिजल्ट वेक्टर B3 से होगा ना, बी अच्छा B2 से ही लेगा क्या, होगा हाँ जी B3 सर आएगा ना उधर। ना। B3 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 किधर है, नहीं इसी से ही आना चाहिए, ये तो डेटा है ना, अब मैं ये सर्च करा रहा हूँ तो ये आना तो चाहिए। लुकअप वैल्यू वैल्यू आ गई, लुकअप वेक्टर आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ले क्यों नहीं रहा है, रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर तो यही होता है, ले लेना चाहिए E001। नो एक बार यहां से ले लेता हूं मैं, यस, बट उससे क्या फर्क पड़ गया, यहां मैंने कौन सा तीर मार दिया। सेम मैंने यहां पे भी फॉलो किया बट यहां एरर दिखा रहा है, यहाँ मैंने कहीं रेंज अलग तो नहीं सिलेक्ट की, रेंज भी सही सिलेक्ट की है। ओके इसमें B2 से B14 लिया आपने, उसमें B3 लिया था। हाँ वही मुझे नहीं समझ रहा है, आ रहा है इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए आप ना, B2 लो एक बार इधर, H अगर H मैं जो या H3 में, EID अगर जब मैंने डाल, H3 में आपने पहले B3 लिया था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? B2 से स्टार्ट नहीं है ना वो, B3 से स्टार्ट है ना। हाँ जी पर ये मैंने देखिए EID डाला है, पर ये इसमें कुछ और दिखा रहा है मुझे, ये ओके अप्रोक्सीमेट नहीं, आप मैच। एच एच अभी देखिए, यहाँ B2 है ना,
आपका एच एच थ्री में अभी में जाइए, H3 में आपका B2 से B14 दिखा रहा है, और आगे उसमें क्या दिखा रहा है I3 में, नहीं वो दोनों इसमें मेरे B3 से B14। आप रेंज देखे है ना, लेकिन इन दोनों में मैंने रेंज जो है ये देखी, हाईलाइटेड बॉर्डर B3 B14 A3 A14 यहाँ ले रखी है, और यहाँ सही क्या कर है, रखा है मैंने A2 से A14 और B2 से B14 लिया है, तो इसका कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ना चाहिए वैसे। बट हाँ। अब वैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, E005 में सही दिखा रहा है, दोनों में दिखा रहा है वैल्यू। जो प्रॉब्लम है वो E001 के साथ, E005 हमारा क्या है, मीनाक्षी और लखनऊ है, और इधर क्या दिखा रहा है वो? इसकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ E001 में है, बाकी में तो दिखा रहा है वो। E006 डालें तो दोनों में आंसर आ रहे हैं। सिक्स सिक्स मीनाक्षी, मीनाक्षी क्यों दिखा रहा है, सिटी में मीनाक्षी क्यों दिखा रहा है फिर? नहीं वो मैंने वेक्टर नहीं चेंज किया है, मैंने खाली रेंज अच्छा यहाँ पे, आपने, हाँ आपने कॉलम वही रखा है, ठीक है, मैंने बस मतलब चेक करने के मारे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, समझ गया समझ गया। हाँ बट E001 ऐसा कोई डिफरेंस तो बनाता नहीं है बट, पर ये बट एरर ई क्या। जीरो जीरो वन E001 है संदीप और फरीदाबाद, राइट ना? अभी एच 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 थ्री में जाइए, आपका क्या है, H3 अगर एच थ्री में, अगर आप B3 करिए एक बार, एच थ्री में B3 करिए, फॉर्मूले में ऊपर जो फॉर्मूला है अभी, इसमें B3 कीजिए, अभी क्या दिखाता है, एंटर मारिए, नहीं अभी भी देखा, वही दिखा रहा है। देखिए सर ये ना जो मैच इंडेक्स के केस पे काम करता है, अगर मैं यहाँ बी अच्छा ए थ्री कर दूंगा ना, देखिए रिजल्ट वेक्टर और जो हमारा लुकअप वेक्टर है दोनों पैरेलल होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा नहीं हाँ, ये चलेगा, एक कंडीशन हो सकती है, राइट राइट। दोनों होने चाहिए पैरेलल तभी चलेगा ये। चलिए फिर ठीक है, ऊपर के हम हेडिंग नहीं लेंगे, बट ये गलत वैल्यू पे भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। चलो हमें, हमें फिर ये चीज एक लर्निंग हो गई कि एटलीस्ट अपने को वो मैचिंग होना चाहिए, राइट ना? नहीं तो कहीं भी नॉट, वो कुछ ना कुछ एरर देगा, राइट ना? यस सर, पर एरर हाँ, देख तो फॉर्मूला एर हेल्प में ऐसा कुछ कमेंट नहीं है फॉर्मूला हेल्प में जाके, हाँ भाई उधर A3 से स्टार्ट है तो आगे वेक्टर भी A3 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? अभी देख लेते हैं हेल्प में। हाँ हेल्प में देख लेते हैं तो क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। यूज द वेक्टर फ्रॉम व्हेन यू हैव लार्ज लिस्ट ऑफ वैल्यूज लुकअप और व्हेन द वैल्यूज मे चेंज ओवर टाइम, वेक्टर हाँ फॉर्म। वो दे रहा है, देखो, इफ यू वांट टू लुक इन ए वन रो और वन कॉलम रेंज नोन एज ए वेक्टर फॉर ए वैल्यू एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजीशन इन ए सेकंड वन रो और वन रो, अभी दे रहा है सेम पोजीशन, ठीक है ना? सेम पोजीशन में वो तो ठीक है, एरे हाँ, फॉर्म बट में हमारी तो सेम पोजीशन हमने नहीं सिलेक्ट की थी ना पहली बार एच में, तो नहीं, वो पोजीशन सर सेम थी, पोजीशन सेम का मतलब है दोनों रेंज सेम होनी चाहिए, ए टू पे है तो अगली बी टू पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, A2 to A6, B2 से B6, ये देखिए रेंज हमेशा कॉमन रहेगी, इनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं, ठीक रेंज हमेशा पैरेलल ही होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन कहां से स्टार्ट होती है वो जरूरी नहीं है क्या? हाँ वो जरूर, देखिए अब इसको मेरे डाटा को क्या पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें अगर वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ E013 है हाँ और यहाँ मैंने क्या देखा है E3 दे रखा है, मैं इसकी रेंज को थोड़ा सा अप कर देता हूँ, मेरे हिसाब जो हाँ जो रूल कहता है वो इसको वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग से अच्छा इनका कोई मतलब नहीं होता और इनको ओके, पता भी नहीं होता कि लिस्ट में हेडिंग है कि नहीं है इन अच्छा फॉर्मूले। उसको क्या मालूम, सही है। E013 यहाँ यहाँ गड़बड़ कर रहा है, मानसी दे रहा है लास्ट, इसको ले ही नहीं रहा। हाँ ओके ओके ओके, इसका एक और है, वो करता हूँ मैं, क्या दब गया,
नो, ये तो गलत है, इसको होना ही नहीं चाहिए ऐसा। कुछ है पंगा। कुछ नॉर्मली है पंगा कुछ। नॉर्मली मेरे ख्याल से ये इस तरह से बिहेव नहीं करता, क्योंकि जब भी मैंने चलो अभी इसके वही ले लो, जो रेंज दोनों की कॉमन ही ले लो, A32 उसमें ले लो और उसमें भी B3 से ले लो। E001 देखिए, अब मैंने इसमें रेंज जो है पैरेलल ले रखी, अच्छा, पर मैंने जब वो ऊपर दे रखी थी तब क्या ले दिक्कत थी। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम डेटा डेटा भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना सर, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेरे को। हाँ, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ला तो रही है, ठीक है अभी जी। 12 12 का जो मानसी आ रहा है वो उधर सिटी में भी फॉर्मूला डाल दो ना, इसका ही सिटी का ही, उसमें भी जो है वही सिटी सिलेक्ट कर दो तो अपने को पैरेलल पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना है सर, सिटी के लिए यहां से इसको लुकअप वैल्यू को लॉक करना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। ओके स्टार्टेड है, मैंने डॉलर डाल दिया। ये लुकअप वेक्टर को मैं हाँ फिक्स कर दूंगा, क्योंकि हमेशा ये रही यही रहेगा। और A3 से A14 तक। हाँ लुक, क्योंकि EID तो इसी में ढूंढी जानी, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, और जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो रो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मुझे रो फ्रीज करनी है, ठीक है जी। अब मैं खाली इसमें कोई इंडेक्स वगैरह का चक्कर नहीं है, सीधा आप ड्रैग कीजिए, ठीक सही है है जी। प्रदीप, दिल्ली E002, प्रदीप दिल्ली 71। सही है। ठीक है सर, तो इसमें इसका कोई चक्कर नहीं है वैसे, लुकअप जो है मेनली लुकअप ही करता है, बट आज थोड़े से इसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। बेसिक इसका वर्क जो है वो लुकअप करना है। इसमें सिंपल ठीक है, सा होती है, पहली लुकअप वैल्यू होती है, क्या ढूंढना है, लुकअप वेक्टर किस में ढूंढना है वो रेंज देनी है, और रिजल्ट वेक्टर की क्या वापस लाना है उसके, मतलब ये इसमें सर्च करेगा आईडी कहाँ है। अगर यहाँ पे थर्ड पोजीशन है रिजल्ट तो क्या देना है, इसमें से रिजल्ट में भी, हम सेज भी डाल सकते हैं, है ना, हाँ जी कुछ भी रिजल्ट डाल में हम दो, सिटी भी डाल सकते हैं, रिजल्ट में हम सेल्स भी डाल सकते हैं, रिजल्ट में हम हाँ वो रेंज डालनी अगेन ईआईडी पड़ेगी। भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट हाँ जी, EID के लिए आप मेरे ख्याल से वो ऑप्शनल था, तो अगर हम जो वही रोज सिलेक्ट करते हैं जहां उसने ढूंढना है और वही रिटर्न भी करना है, तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं। लुकअप वैल्यू, वो सेम ही रहेगा ना, फिर तो सेम रहेगा ऑल द टाइम। हाँ जी यही रहेगा, तो ये यही रिटर्न कर हाँ, देगा। अगर मैं लुकअप वैल्यू भी वही रखता हूँ और रिजल्ट वेक्टर भी वही रखता हूँ, मान लो ई ए और ई सिलेक्ट करता हूँ, तो वो ऑल द टाइम बराबर बराबर देगा ना दोनों को। हाँ जी, हाँ जी, ये जो बड़े ब्रैकेट होते हैं ना सर, यहाँ बड़े ब्रैकेट में रिजल्ट वेक्टर लिखा, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है वैल्यू ऑप्शनल है, आप चाहे डालें उसे मत डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। बस उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है इधर, कि इसका मतलब है कि लुकअप वेक्टर, अगर आपका रिजल्ट भी उसी में से ही आना है जिसमें उसे लुकअप करना है, तो वो दे देगा आराम से। नहीं, बट फिर रिजल्ट ऑप्शनल है तो फिर हम ढूंढ क्या रहे हैं। मेरे को मान लो एम्प्लॉय के हिसाब से चाहिए नाम चाहिए, या एम्प्लॉय के हिसाब से कौन से सिटी में रहता है, या एम्प्लॉय के हिसाब से कोई कोई उसका आउटपुट तो होगा ना, आप कोई रिजल्ट तो होगा ना। फिर हाँ, रिजल्ट आप बोल रहे हैं ऑप्शनल, अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा फिर वो मतलब क्या है उस फाइल का। वो उसका मतलब सर ये है कि जब आप E013 ढूंढ रहे हैं, होना तो यही चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जो इसमें ना हो, आपको देखना है नहीं, मान लो अभी आप इसमें। रिजल्ट वेक्टर बोले, एक बार रिजल्ट वेक्टर आप कुछ भी मत सेलेक्ट करो, फिर क्या देगा ये। ये वही रिटर्न कर देगा जो आप ढूंढ रहे हैं। नहीं, अभी जैसे लुकअप में हमने बोला G3 हो गया, चलो ये हो गया। हाँ, G3 और रेंज हमने ले ली अपना A3 से A14 तक, ठीक है ना, नहीं A3 से A14 तक। और अपने को आगे देना क्या है, रिजल्ट में क्या चाहिए, नाम चाहिए, क्या चाहिए, सिटी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। नहीं सर, ये पता क्या कर रहा है, अब लुकअप में ये कर रहा है अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा है, ये मतलब अगर इसे कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो आसपास की वैल्यू उठा के दे रहा है ये। इसमें एक और ये कंडीशन आ जाती है,
या अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो ये आसपास की उठा के दे देगा पर एरर नहीं देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे E015 है, ऐसी तो कोई है ही नहीं, पर फिर भी ये हमें हाँ वैल्यू उठा के दे रहा है, फिर वो वो भी मानसी थाने क्यों दे रहा है फिर वो हाँ वो नियरेस्ट वैल्यू दे रहा है इसकी, मतलब आस पास की अप्रोच नियरेस्ट की। मतलब 12 सबसे नियरेस्ट है तो पकड़ के बैठ गया हो। हाँ जी सर, तो हाँ 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 ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, तो इसलिए इसका लुकअप जो अप्रोक्सीमेट देता है, जबकि जब हम उसमें करते हैं वी लुकअप में जहां हम फॉल्स करते हैं कि भाई फॉल्स करेक्ट होना चाहिए, वहां एग्जैक्ट एग्जैक्ट फॉल्स देता है, वहां पे एग्जैक्ट देगा ना। हाँ वह एग्जैक्ट देता है, ट्रू में अप्रोक्सीमेट देता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही अप्रोक्सीमेट देता है आपको, तो इसकी वैल्यूज पे अभी कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। तो फिर इस फॉर्मूले का वो सेंस क्या है? जहां वी लुकअप के ट्रू का सेंस है सर, वी लुकअप में ट्रू का यूज कब करेंगे, कोई बता सकते हैं कुछ उसका अप्रोक्सीमेट कब चाहिए होगा? देखिए मैं दिखाता हूँ उसका हाँ अप्रोक्सीमेट आप यूज कैसे करेंगे, उसका भी अच्छा खासा यूज है। नहीं, लुकअप का यूज कहाँ करते हैं? अगर इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ भी पकड़ लेता है तो किस किस जगह ये जनरली यूज करते हैं? जब हमें डाटा की एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कुछ, इसी में तीनों डाल दो ना, एक एक लुकअप डाल दो, एक वी लुकअप और नहीं एक नहीं एच, तो उसमें पहले अप्रोक्सीमेट का मुझे मतलब आपको ये दिखाना है कि उसका हम यूज करेंगे कहाँ, ठीक है। है ना? सेल्स की है तो सर इंसेंटिव भी होता है, ठीक है जी। अब ठीक इसमें है क्या करना है, एक कंडीशन आती है कि मेरे पास 0 से 40 जो है 0 का इंसेंटिव रहेगा, ठीक है जी। 41 to 60 जो है 10 का इंसेंटिव रहेगा, ठीक है 61 to 80 जो है 20 का इंसेंटिव रहेगा, और 81 to 90 जो है, क्योंकि वैल्यू मैंने यहीं तक दी है, या ग्रेटर देन 80 कह लें, वो जो रहेगा मेरा 30 का इंसेंटिव रहेगा। तो इस कंडीशन को कैसे फिल करेंगे? इफ का फॉर्मूला लगेगा लंबा चौड़ा, हाँ। यहां पे हमारे ये काम आता है। यहाँ पे क्या करना है, एक बार लगा के देख लेते हैं क्या सही दे रहा है। लुकअप वैल्यू जो रहेगी मेरी सेल्स रहेगी, टेबल एरे जो रहेगा मैंने जो ये रेंज दी है, और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 देन ट्रू सेलेक्ट करना है, फिक्स कर लेता हूं वैल्यू को। देखिए क्या रिजल्ट सही आ रहा है। ये क्या देख रहा है अभी? वी लुकअप में एक तो B3 हो गया आपका, चलो ठीक हो गया। फिर आपका हो गया G5 से H8, G5 से H8 आप। इस कंडीशन में सर ये रिजल्ट आना चाहिए, तो इसके लिए जो वी लुकअप की कंडीशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जैसे 0 to 40 चाह रहे हैं तो हम 0, अगला जो ब्रेक लग गया 41 पे लग गया, ठीक है जी। जब तक वैल्यू 41 से नीचे नीचे है तो ये ऊपर यहां से पकड़ेगा, अब जब तक अच्छा वैल्यू 61 से नीचे नीचे है तो यहां से पकड़ेगा, जब तक वैल्यू 81 से नीचे है तो यहां पकड़ेगा, और 81 से बड़ी है तो ये पकड़ लेगा, 81 या 81 से बड़ी है, ठीक है ठीक है जी।
ये आपके लिए जो इफ का फॉर्मूला लंबा चौड़ा होता था, इस कंडीशन से तुरंत लग जाता है, और ऐसी कितनी ही बड़ी लिस्ट। हाँ ये एक स्पेसिफिक रेंज के लिए तो ठीक है, इन द सेंस 0 40, जैसे 41 60, 61 80 81 90, अगर मैं इसमें अभी दे दूं आपको, सपोज मेरे को चाहिए रेंज जो इसमें नहीं है, 100 की रेंज दे देता हूँ मान लो, तो तो 100 हंड्रेड, की रेंज में फिर मेरे को 30 लेगा क्या वो? अब यहाँ पे ये 81 नहीं है, ये ग्रेटर देन 81 है, ग्रेटर देन 80 है एक्चुअली में, अच्छा ग्रेटर देन 80, ठीक है ठीक है तो यही देगा। ठीक है ठीक है, और एनीथिंग मोर देन 81 वो 30 पकड़ लेगा राइट right? हाँ जी सर, कुछ भी जो 80 से बड़ा होगा वो 30 पकड़ेगा। यहाँ देखिए, चाहे इसको हम 500 भी कर दें तो भी 30 पकड़ेगा। ओके ठीक है सर, क्योंकि तो हमने लास्ट रेंज यहाँ दी है। इसमें ऐसा नहीं है कि 10 का ही होना चाहिए, बस वैल्यू के बीच का डिफरेंस पकड़ता है। ठीक है जी, जैसे 69 पे आप देख रहे हैं 20, यहाँ पे 61 से 81 के बीच का डिफरेंस अगर इसने पकड़ लिया तो 20। ये फॉर्मूला थोड़ा आसान पड़ जाता है, और मेरे ख्याल से लुकअप का भी फॉर्मूला सेम ही काम करता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हालांकि अगर ये ऐसा है तो ये नई चीज है मेरे लिए भी, मैंने इससे पहले इसकी इस फंक्शनैलिटी को कभी चैलेंज नहीं किया या ट्राई नहीं किया। तो रिजल्ट वेक्टर इसमें से होगा कॉमा, मुझे डाउट हुआ कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा था कहीं, मुझे डाउट हुआ कि ऐसा हो सकता है फिर। और अगर ये यही दे रहा है तो ये इसी बिहेवियर का है ना? नहीं है, इसका तो बिहेवियर ही नहीं समझ आ रहा हमें। अच्छा, मैंने रेंज ही छोटी दे रखी है तो क्या गलती है उसकी? अभी भी गड़बड़ है, इसका कोई बैलेंस्ड रिजल्ट नहीं है। ओके, यहाँ आओ। अब सही है। ठीक है सर, क्या चीज उसमें? मैंने वो इंसेंटिव पे ही लगा दिया था जबकि लगाना यहाँ था, तो दोनों सेम रिजल्ट दे रहे, तो हाँ सेम दे रहे हैं। इसका मतलब लुकअप जो फॉर्मूला है बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही शो करता है। ठीक है सर, तो सिर्फ इसी ही कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में ही लुकअप का यूज होगा। अगर मान लो मैं जैसे 67 है 6 रो में है ना सेल्स, हाँ जी, अगर मैं सेल्स को कर देता हूँ सपोज 500, देखो क्या आता है लुकअप में क्या आता है और वी लुकअप में क्या आता दोनों सेम। है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था इनके बीच का बेसिक डिफरेंस जो था। ये इससे पहले मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ठीक ठाक आंसर देता था, अब यहां इसने खेल कर दिया, आज नहीं किया अभी होता दोनों तो में कोई ऐसी वैल्यू दो जो दोनों में डिफरेंट आए, डिफरेंट आएगा क्या? नहीं आ सकता सर। अगर मैं सेल्स में कोई ऐसी वैल्यू दूं जिसमें वी लुकअप में अलग आए और लुकअप में अलग वैल्यू आए, ऐसा आएगा क्या या ऑल द टाइम सेम ही आएगा? अब देखिए, इसमें हमने वी लुकअप में भी ट्रू पास किया है, जीरो नहीं पास किया सर, एग्जैक्ट मैच नहीं पास किया, अप्रोक्सीमेट मैच पास किया है। अच्छा अगर मैं इसमें दूसरा टूट की जगह वो क्या आता है फॉल्स रहता है ना, क्या रहता है वो? हाँ, फॉल्स करेंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट रहेगा। हाँ फिर अलग अलग आएगा ना रिजल्ट। हाँ जी, फॉल्स का मतलब है कि एग्जैक्ट रिजल्ट, अगर हाँ इन्हें ये एग्जैक्ट वो, रिजल्ट। अगर इसे ये वैल्यू मिलेगी तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। मैंने ओ जीरो माय गॉड, लगा। एग्जैक्ट मैच किया ना आपने अभी, हाँ जी सर,
ठीक है, उसमें देखते हैं। ये सब में अगर मिल गई वैल्यू तो दे देगा, अदरवाइज सब में एरर। ए सिक्सटी हाँ वन एक मिल जगह गया, ठीक दिया ना उसने, एग्जैक्ट 61 मिला तो दिया उसने, है सर। तो वी सही लुकअप है। थोड़ा रिलायबल है और ये जो है अप्रोक्सीमेट देते हैं, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेट रहेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड वी लुकअप। लुकअप का ही पार्ट है वी लुकअप, इसलिए वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब देखते हैं, मान लीजिए हम लुकअप वुकअप से हटते हैं, अब एग्जैक्ट ऐसी चीज पे आते हैं जो हमें सही रिजल्ट दे। देखिए पहली चीज, हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है। मैच का फॉर्मूला क्या करता है, ये भी लुकअप ही करता है। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। इसमें एग्जैक्ट मैच, लेस देन, ग्रेटर देन, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, ठीक है जी। लेस देन ग्रेटर देन फिर वही मैचिंग कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, वो मतलब अप्रोक्सीमेट पे, ठीक है जी। तो इसमें क्या रिटर्न करता है ये वैल्यू, पहली बार तो मिली नहीं, इसको मैं बदल देता हूँ। इसमें लॉकिंग लगा देता हूँ, ये इसमें अभी सर। जो आपने लगाई लॉकिंग, इसमें डॉलर कहां से लाया? जैसे पहले में डॉलर आपने मैनुअली लिखा, बाकी में कैसे आया फिर देखिए इसमें जो मैं को करता हूँ ना सर, शॉर्टकट में? हाँ, आप कोई भी रेफरेंस सिलेक्ट करें, फिर इसको यहां से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और ठीक F4 है, जैसे जैसे दबाते जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके लॉकिंग ऑप्शन देता जाएगा। F4। हाँ जी सर, सिलेक्ट करके, अच्छा F4, फिर अपने आप हमें देखें डॉलर कहाँ चाहिए, कॉलम में चाहिए, रो में चाहिए, वहीं रोक दे। हाँ, जहाँ जहाँ चाहिए वहां रोक दीजिए। एक बार दबाएंगे तो अलग देगा, दूसरी बार दबाएंगे तो अलग देगा, तीसरी बार दबाएंगे तो फिर वैसे कर देगा, ठीक है, समझ गया समझ ठीक है गया, सर। ठीक है। ये आसान तरीका है। अब इसने हमें कुछ नंबर्स रिटर्न किए हैं सर, इसमें इन नंबर्स का मतलब है कि जो मैंने डेटा यहाँ पे, जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, मतलब ये जो बॉर्डर है ग्रीन बॉर्डर, इसके अंदर कौन सी पोजीशन पे है वो वैल्यू। इसने दिखाया कि E001 फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरी सेकंड पे, 5 जो है E005 फिफ्थ पे, 10 टेंथ पे, ठीक है जी। इस डेटा में दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स में क्या होता है कि एक एरे हम इसमें देंगे, बेटर है वही दें जो हमने मैच में दिया है, तो एरे दे दिया मैंने, और रो नंबर जो है मैं मैच से दिलवा देता हूं। इंडेक्स मैच दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, पर जब इनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है, इनको मैं फिर से वो कर देता हूं, तो ये वी लुकअप की तरह ही काम करते हैं, ठीक है जी। इसका समझ आया। मैच ने क्या किया, हमें इंडेक्स प्रोवाइड किया, और इंडेक्स ने के बेस पे हमने किसी एरे से उस वो वाली पोजीशन, जैसे फर्स्ट पोजीशन निकल वाली, यहां से सेकंड निकल वाली, तो ये जो रेंज चूज करेंगे हम सिटी में से भी चेंज कर सकते हैं, सेल्स में से भी, नेम्स में से भी, कहीं से भी, तो ये वहां का रिजल्ट आपको दे देगा तुरंत। तो इंडेक्स मैच ऑल्सो आपके वर्क करते हैं एकदम वी लुकअप की तरह। मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इस ये इंडेक्स के फॉर्मूला के मैं जहां K3 में रो नंबर ले रहा हूं वहां पेस्ट कर देता हूं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा, इंडेक्स मैच, जो कि आपका वी लुकअप की तरह ही होगा। इसको डिलीट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसमें नेम सिटी में कैसे लगाएंगे। पहला इंडेक्स है, सबसे पहले इसको चाहिए रिजल्ट किसमें से लेना है, एरे वो देंगे हम, हमने नेम में से चाहिए सिलेक्ट कर लिया। देन चाहिए रो नंबर में हम क्या लगा देंगे, मैच का फॉर्मूला, उसमें लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, और लुकअप कहाँ करना है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, और देन जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, और ये आ गया, ठीक है जी। अब इतना सब करना है, थोड़ा सा लॉकिंग कर लेते हैं इसमें भी,
जो इंडेक्स की वैल्यू है हम ये बदलवा सकते हैं चाहे, तो इसको मुझे फ्रीज ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, मुझे खाली इसके रो करनी है, कॉलम नहीं करना। तो रो कर दी मैंने, लुकअप वैल्यू में मुझे कॉलम करना है, रो नहीं करनी। और जो लुकअप एरे है वो टोटली फिक्स होना, ठीक है जी। अब इसका भी खेल क्या है, सीधा ड्रैग किया वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो ये मैच इंडेक्स का फॉर्मूला है सर। अब जो मैच इंडेक्स हम सर यूज कर रहे हैं, तो लुकअप में भी ये चीज है कि आप यहां के बेस पे भी लेफ्ट टू राइट सर्च कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, हम तो फिर हम इसके लिए फ्री हैं कि हमारी रेंज कहीं से भी आए। यानी कि जो ये इंडेक्स है जो यहां सर्च कर रहा है वो यहां भी सर्च कर सकता है, ठीक है। यहां सर्च करे यहां से भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये लेफ्ट टू राइट सर्च कर रहा है, इसके बेस पे ये वैल्यू सर्च कर रहा है, ठीक है सर। तो इसमें कोई ऐसा बार नहीं है। अब इंडेक्स मैच के आप दो फंक्शनैलिटी आप समझ गए। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने वी लुकअप पे फिर से और मैच को इस बार यूज करते हैं वी लुकअप के साथ। लुकअप वैल्यू हो गई हमारी, टेबल एरे हमने चूज कर लिया, मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स में हमें खेल करना है कि ताकि हमें बार बार बदलना ना पड़े। हमने ऊपर हेडिंग दे दी है, मैं ये क्या करूंगा, कॉलम इंडेक्स है तो एक नंबर। टेबल अरे कौन सा लिया हमने, टेबल अरे मैंने ये वाला डेटा ले लिया अपना, इसको मैं थोड़ा सा यहां तक ले देता हूँ, हाँ आप ठीक, ठीक है जी। टेबल अरे ये हो गया, आगे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैंने जो करना है चेंज करना है कुछ, यहां मैं मैच का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या करूंगा मैं सर, ये नेम को फाइंड कराऊंगा, किसमें फाइंड कराऊंगा, इस हेडिंग में फाइंड कराऊंगा। अब मान लीजिए अगर मैं इस नेम को फाइंड कराता हूँ इस हेडिंग में, तो ये डेफिनेट सी बात है इसका इंडेक्स पोजीशन देगा मुझे, मतलब फर्स्ट पे ये आईडी है, सेकंड पे नेम है, थर्ड पे सिटी है, इस तरह से फोर्थ पे सेल है, तो इन्हीं के बैच का देगा। जो मेरा मकसद है इसमें क्या करता हूं, मैं रो को फ्रीज कर देता हूं और जीरो फाल्स का वो करना है, और यहां पे भी फाल्स एग्जैक्ट मैच के लिए। यहां मैं पहली वैल्यू को, अब इसमें मुझे कॉलम इंडेक्स बदलने की इसमें भी जरूरत नहीं है। बट एक चीज इसमें और है कि अगर मैं यहां अगर अब इस इसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे एक बार संदीप, जो H3 में डाला आपने। देखें वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आ गई हमारी G3, ये वाली G3 हो गया हमारा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है हाँ जी हाँ जी। टेबल एरे ए ओके से डी तक, ए से डी तक मतलब एम्प्लॉय आईडी नेम सिटी सेल्स जो भी है, ठीक है जी। ठीक है, देन आया कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें हमने मैच क्या किया, ऊपर वाली हेडिंग की, ये नेम को किसमें ढूंढवाया, जो टेबल लुकअप एरे था हमारा इसकी हेडिंग थी, ठीक है जी। अब क्या करता है मैच जो है ना, इसमें से ढूंढ के देगा कि कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है। नेम जो है डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे है या, तो ये मैच का फॉर्मूला 2 निकाल के देगा। अगर मैं सिटी सर्च कराता तो इसमें से ये 3 निकाल के देता। तो अगर ये फंक्शनैलिटी कर रहा है तो मैं हेडिंग के बेस पे आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ जिस तरह से ये डेटा कर रहा है। तो मजे की बात क्या है कि जैसे ही मैं हेडिंग चेंज करता हूं आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ढूंढ तो ऊपर वाली वैल्यू जाए।
अगर मैंने यहाँ सिटी डाल दिया तो यहाँ सिटी दिखा देगा, यहाँ नेम डाल दिया यहाँ नेम दिखा देगा, सेल्स डाल दिया सेल्स यहाँ दिखा देगा। बस आपको कॉलम चेंज करना है कि कहाँ क्या दिखाना है, सेल्स सिटी। ठीक है सर, हो क्या रहा है, ये सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, मैच का फॉर्मूला लगाया और उसमें से मैंने कहा ये नेम को इसमें से ढूंढ के दे दो मुझे कौन सी पोजीशन पे, इसमें रिटर्न कर दिया सेकंड है या जीरो और लगा दे। ठीक है जी, अगर मान लीजिए मैं इसको सेल्स को पॉइंट कराता इसके अंदर तो ये था फोर्थ पे है, तो फोर रिटर्न कर देता। अब कॉलम इंडेक्स में मुझे यही तो चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर ही तो चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बेस पे ये सारी ऑटोमेट हो गई। तो जब जैसे ही मैं ऊपर की वैल्यू बदल देता हूं तो ये ऊपर की वैल्यू ढूंढने लग जाता है और वो कॉलम इंडेक्स इधर रिटर्न कर देता है। ठीक है सर, ठीक है जी, तो मैच का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। इंडेक्स के और भी पार्ट हैं, जहां मैंने अभी आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दिखाई, मैं इंडेक्स में इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है, किसी एरे में मैंने यहां सिलेक्ट किया, मैंने कहा अगर इसमें मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए तो ये इस सिलेक्शन में से थर्ड वैल्यू मुंबई रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, इंडेक्स का काम इस तरह है। पर इंडेक्स में हम सिंगल रेंज की बजाय मल्टीपल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने मान लीजिए ये डेटा यहाँ से उस तक सिलेक्ट कर लिया, अब क्या है, रो नंबर भी दे सकते हैं हम, कॉलम नंबर भी दे सकते हैं इसमें। सही है, हाँ, मैंने कहा थर्ड रो नंबर में से सेकंड कॉलम चाहिए मुझे। ठीक है जी, थर्ड रो नंबर में से ये इस डेटा में थर्ड पोजीशन पे है और सेकंड कॉलम। ठीक है जी, तो इस तरह से भी वैल्यू देता है, यानी कि ये जो मैच इंडेक्स लगाया है ये दोनों वैल्यू मैं यहीं पे ऑटोमेट कर सकता हूं, कॉलम भी। अब देखिए इसमें एक बार कोशिश करते हैं लगाने की, इंडेक्स एरे में इस बार फुल सिलेक्ट करूंगा, पूरा पूरा डेटा जो सिलेक्ट किया मैंने, रो नंबर में मैंने मैच लगा दिया, ये लुकअप वैल्यू कर देगा, लुकअप एरे जो रहेगा वो मेरा ये रहेगा एंड एग्जैक्ट मैच रहेगा। ये तो रो नंबर हो गया मेरा। कॉलम नंबर के लिए क्या कर देता हूं, मैं ऊपर वाली हेडिंग दे देता हूं मैच में, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहां सेल्स ले ली मैंने, मतलब पूरे ऊपर की वो ले ली, देन जीरो। अब ये मेरा बन गया फॉर्मूला मजेदार। अब थोड़ा सा फ्रीजिंग का ध्यान रखना है इसमें, इंडेक्स का ये पूरा का पूरा फ्रीज होना चाहिए, यहाँ मैच में जो है खाली कॉलम फ्रीज होना चाहिए, डेटा हर किसी में फुल फ्रीज रहेगा, यहाँ पे रो होना चाहिए खाली, डेटा फुल फ्रीज। ठीक है जी, तो इसमें मुझे कोई कॉलम इंडेक्स का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट आपको सही वैल्यू देगा। ठीक है जी, इसमें भी यही फंक्शनैलिटी है, आप सेल्स यहाँ डालें तो ये बदल जाएगा। ठीक है सर, देख रहे हैं एक ही काम हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से वही काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इंडेक्स मैच हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, एक और फॉर्मूला है जो हमारे बहुत काम आता है, वो है ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या करता है,
इंडेक्स का जैसे मैंने आपको रो कॉलम का यूज दिखाया, ऐसे ही ऑफसेट भी वर्क करता है। बट मान लीजिए यहाँ पे मैं रो ले लेता हूँ, यहाँ कॉलम ले लेता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। पर ये जो कैलकुलेशन ऑफसेट जो सिलेक्ट करता है वो करता है जीरो से। जैसे इंडेक्स पोजीशन आती है ना सर, तो 1 2 3 आ जाती है। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया होता, ई आई डी को 1 मानता, E001 को 2 मानता, पर अगर हम ऑफसेट में पहले रेफरेंस इसका दे रहे हैं तो ये इस शुरू करेगा काउंटिंग 01, E001 को 1 मानेगा। ठीक है जी, तो इसको कभी कभार हम वर्किंग में लाने के लिए कभी कभार -1 का भी यूज कर लेते हैं, या जैसे उसको कर लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में पहले इसे चाहिए रेफरेंस, रेफरेंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। ये मैंने दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट A2 से, सिंगली पूरी मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। देन रो, यहां से रो दे दी और यहां से कॉलम दे दिया मैंने। ठीक है जी, 1 रो 1 कॉलम मींस जब मैं यहां ए पे था एक कॉलम आगे आया और एक रो नीचे आया। ठीक है जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब ये क्या कर रहा है, सिटी में से डाटा निकाल के दे रहा है। यहां से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 0 तो वही पोजीशन है उसकी, 1 2 3, देन कॉलम 1 2। ठीक है जी, तो यही रिजल्ट निकाल के दिया। ऑफसेट का फॉर्मूला यहां तक तो सही काम करता है। इसमें हम ये जो रो कॉलम हम यहां पे करवा रहे हैं, ये इसी के साथ हम इसको इंडेक्स मैच वगैरह इन सब को भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे हमने मैच का यहाँ यूज किया यूज है। कहाँ होता है ऑफसेट का जनरली संदीप? जनरली जो ऑफसेट का आप मोस्टली यूज पाएंगे VBA में पाएंगे, और आपका डैशबोर्ड्स में भी यूज होगा इसका, अच्छा, क्योंकि ऑफसेट के फॉर्मूला में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम खाली स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, बाकी फिर उससे गिनती शुरू करते हैं, 3 आगे चला जा, 4 नीचे चला जा, ऐसे कहते हैं। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, उसके बेस पे ये पूरी शीट में नेविगेट कर सकता है कि इतने रो आगे इतने रो नीचे। दूसरा ये माइनस में भी नेविगेशन करता है। अगर मैं इसमें मेरा मानना है VBA में करता है, इसमें देख लेते हैं। कॉलम जो है 0 है, रो जो हो गई हमारी अब यहां -1 हो गई। अगर वैल्यू ला दी तो वर्क करता है, करता है हर डायरेक्शन में वर्क करता है। इसी तरह आप माइनस कॉलम में भी माइनस में जा सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने R1 C1 के रेफरेंस दिखाए थे सर, हाँ, तो उसी तरह से ही है, ये वही फंक्शनैलिटी है इसकी। मतलब जहां है ये, जहां हमने रेफरेंस पॉइंट दे दिया वो हो गया 0। अब इससे आगे बढ़ेगा कॉलम में तो 1 2, रो में बढ़ेगा तो 1 2, ऊपर जाएगा तो -1 -2 और और लेफ्ट जाएगा तो भी -1 -2। हाँ जी, और रो में है कि कॉलम में है वो। तो इस तरह से करता है ये, रेफरेंस पॉइंट पे ऐसे बिहेव करता है। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या होता है, जब ये एक और चीज होती है इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर जब मैं इसको और देखूंगा, कॉमा डालूंगा, तो हाइट विड्थ दे रहा है। अब ये हाइट विड्थ क्या करता है, हाइट और विड्थ दे रहा है। हाइट विड्थ का मतलब है जैसे ये, अब यहां मैंने बोला कि 1 कॉलम 2 रो यहां आ गया। अब हाइट मैंने दे दी इसको, मैंने कहा 3 हाइट, तो ये सिलेक्ट किया इसने 3 को। मैंने कहा 2 विड्थ, तो ये 2। तो ये जो सिलेक्शन बना सर आपका, ये हो गया आपका हाइट और विड्थ। ठीक है सर,
इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेल्स का कुछ डाल लेते हैं डाटा, तो ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां से मुझे ये डेटा चाहिए खाली, इसका मतलब है कितने रो कितने कॉलम यहां से आते हैं, 1 2, 1 2 3 4। सो 2 कॉलम एंड 4 रो आ गया, 87 पे आ गया। अब यहां से मुझे क्या देनी है, 2 विड्थ देनी है और हाइट कितनी देनी है, 5। तो यहां पे करूंगा मैं हाइट 5 विड्थ 2, एंटर करेंगे, यहां कुछ नहीं दिखाएगा आपको, एंटर करेंगे यहां कुछ नहीं दिखाएगा, पर आपको डिफरेंस अगर देखना है, मैंने यहां सम कर दिया इसका, हाँ और यहां इसका मैं सम करके देखता हूं, अच्छा नहीं ले रहा है, इधर आना चाहिए 544। हाँ इधर जो है इसको आना चाहिए। अब इसको सम के फॉर्मूले में दे देता हूं, आ गया सर। हाँ और वैसे क्यों नहीं दे रहा था, बात तो एक ही है ना, सम ऑफ ऑफसेट करो या आप नीचे वाली रो में जाके सम का फॉर्मूला, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है सर कि हर एक फॉर्मूला एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए बना है। अगर हम फॉर्मूला में जाते हैं, इवेल्युएट फॉर्मूला करते हैं, तो देखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये गया ऑफसेट से, इसने डिकोड किया चीजों को। अब इसने क्या किया, एक C10 से D10 तक, C6 से D10 तक एक रेंज दे दी, C6 से D10 तक रेंज रिटर्न कर दी इसने। अब वो रेंज को क्या कह के रिटर्न करे सिंगल उसमें, तो एरर ही दिखाता। फिर मैं अगर सम को भी चेंज नहीं कर सकता, फिर मेरे को ऑफसेट लगाने की क्या जरूरत है? मैं सीधा सम में जाके अगर मैं C6 से D10 तक लेगा कि नहीं लेगा सम में? सर लेगा, पर ये बात है ऑटोमेशन की, अच्छा, हाँ ये काउंटिंग के बेस की बात है। जैसे ओके ओके मैंने कहीं फार्मूला लगाते चला आया, मैंने कहा ढूंढो ढूंढो इस नंबर इस नंबर इस नंबर, यहाँ इस नंबर आके ट्रू हो गया, और आगे हाँ। इस नंबर होता रहा जहां तक ट्रू, मैं कहा जितने नंबर है उतने टोटल कर दो, तो इस नंबर जहां जहां ट्रू ला और जहां तक लास्ट उसे इस नंबर मिला, वो ऑफसेट के थ्रू ही आप फाइंड कर पाएंगे। मतलब ये मैं वीबीए की बात बता रहा हूँ, एक्सेल में तो फॉर्मूले से ये बहुत मतलब बेहद की बात हो जाएगी। ठीक है ठीक है सर, तो जब आपको कुछ भी पता ना हो कि शीट कैसे आने वाली है, क्या फॉर्मेशन होने वाला है, उस जगह ये फॉर्मूले काम आते हैं। समझ गया। बस ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये जरूरत पड़ने पे खुद बताएंगे आपको कि मैं कहाँ काम आऊंगा। ये हाइट विड्थ हमने कहां से ली है इसकी? हाइट विड्थ सर इसी फॉर्मूले में है, देखिए आप जैसे ए टू फर्स्ट जो होता है रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, देन उसकी होती है रो, रो कितनी डालनी है, कितनी रो नीचे आना चाहते हो आप या कितने ऊपर जाना चाहते हो, ये वाला सिस्टम रो वाला, देन ठीक आपका है लेता है कॉलम, ठीक है देन आपसे पूछता है हाइट कि मतलब कितनी हाइट चाहिए, ये हो गई हाइट आपकी ऐसी। हाइट सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अपने को फिर? नहीं उसको नंबर्स में देनी है कि 5 लेनी है 4 लेनी है, वो काउंट कहां से करेगा वो? वो हम नहीं, किसी भी पांच फॉर्म, हमने काउंट करके 5 डाला है, अगर ये 1000 रो होंगी फिर कहां से काउंट करेंगे सर या देखिए सिलेक्ट ही करेंगे? अब ये जो है ना काउंटिंग, मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, देखते ठीक हैं है ट्राई करके इसके बराबर का फॉर्मूला लगाना ही बड़ी बात है।
अब यहाँ पे मुझे मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ किधर वो है। मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इस नंबर वाला, यहां से इसको ड्रैग करा लूंगा। तो जहां जहां टू जहां से जहां तक है वो तो फाइंड करवा ही सकता हूं मैं, या ट्रू ठीक कितने हैं है। उतने उतने फाइंड करा सकता हूँ। अब मैं वहां नीचे तक तो आ गया, पर ट्रू कितने हैं मैं फाइंड करा लेता हूँ। वो काउंटिंग कैसे होगा ट्रू का कितने हैं? ट्रू, वैसे तो इसके लिए एरे फॉर्मूला है, ये मैंने सिलेक्ट किया इक्वल टू ट्रू। देन क्या करना है, ट्रू में इसे 1 देना है, फॉल्स में 0 देना है, और इसको डालना है सम के अंदर। उसमें सम कर देंगे तो आ जाएगा। सम के अंदर, और इसको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है सर, सही है। ऐसे मैं इन सब का ट्रू का इसमें निकाल लूं किसी का, मतलब दुनिया भर के फॉर्मूले हैं। आपका जब इसको जरूरत पड़ेगी आपको समझ आ जाएगा इसको यूज करना कहाँ है। इसका ठीक है बाकी ठीक है। डैशबोर्ड में भी आपको इसका यूज दिखाऊंगा मैं। अच्छा 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 बाकी आप ठीक है बेसिकली ठीक। फंक्शनैलिटी देख लीजिए इसकी, कि फंक्शनैलिटी क्या बोल रही है। हाइट हो गई कि कितनी, मतलब रोज रहेंगी, और विड्थ कितने कॉलम रहेंगे, उसका ये आपको रिटर्न कर देता है। ऑफसेट का यूज चार्ट्स में भी होता है, जब आप डायनेमिक रेंज करते हैं, डायनेमिक रेंज बनाते हैं, कि मतलब चार्ट आपने एक बार बना दिया, यहां से तो आपने बना दिया, बाद में अगर रेंज बढ़ गई तो क्या होगा। तो चार्ट अपने आप अपडेट नहीं होते ना, तो उस जगह हम ऐसे फॉर्मूले देते हैं जहां ये रेंज अपने आप आइडेंटिफाई करता है। सही है। काउंट का फॉर्मूला लगा के काउंट करा लेंगे कि कितने, मतलब कितने ब्लैंक नहीं है, कितने में टेक्स्ट है, या कितने में नंबर है, ऐसा हम काउंट करा लेंगे। तो वहां से विड्थ और हाइट ये दे देता है। एक ही चीज दे दे, हाइट ही दे दे, वही काफी है। ठीक है जी। तो सर ये था आपका, ये आपके लुकअप एंड रेफरेंसेस के फॉर्मूले। बाकी एक चीज आपको दूंगा मैं, 26 वी लुकअप करके सर्च करें, एक वीडियो चलो है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। हाँ, वी लुकअप फंक्शन बिगनर टू एडवांस एक्सेल इज फन की तरफ से 26 एग्जाम्पल हैं इसमें। वी लुकअप की सबसे पावरफुल वीडियो है ये। अच्छा जी, ठीक वी लुकअप के अलग अलग 26 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इसमें, अच्छा, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वीडियो को पक्का हो जाएगा। बहुत ही पक्का हो जाएगा।